झीरम घाटी हत्याकांड मामले में एक बार फिर एनआईए ने कांग्रेस नेता दौलत लोहारा को पूछताछ के लिए तलब किया। बता दें कि दौलत लोहारा को चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इधर एनआईए का नोटिस मिलने के बाद दौलत लोहारा तय समय पर पहुंच गए, मगर बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। दौलत लोहारा ने कहा है कि उन्होंने एनआईए के खिलाफ याचिका लगा रखी है और एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। बता दें कि जिस समय झीरम घाटी में नक्सलियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस समय दौलत लोहारा शहीद पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के साथी थे और इस घटना में तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल सहित 29 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की हत्या कर दी गई थी। उस समय में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने एनआईए का जांच का जिम्मा सौंपा था। एनआईए ने 2014 में अपनी रिपोर्ट एक तो पेश कर दी हाईकोर्ट में, दूसरी रिपोर्ट उन्होंने क्लोजिंग रिपोर्ट लिख के 2015 में पेश कर दी।